दक्षिणी दिल्ली के बातला हाउस इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पहचान दिलशाद खान के तौर पर हुई, जो मेरठ के संतला से जिला पंचायत सदस्य भी है। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दिलशाद को चार गोलियां मारी गईं, जिसके बाद उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान की मौत हो गई। दिलशाद खान जब अपने घर पर थे, तभी किसी का फोन आया और घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद घर के पास ही बाइक पर सवार दो लोगों ने दिलशाद खान को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने दिलशाद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।